पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में कार्यरत विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का धरना आज भी जारी रहा। घाटी में आतंकियों द्वारा हिंदुओं की लक्षित हत्याओं के मामलों के बाद से ही अपनी जान की सुरक्षा के लिए अपना स्थानांतरण जम्मू में करने की मांग कर रहे विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने कहा कि उनके मुद्दे को लेकर जो उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है उसको लेकर उन्होंने अपने तौर पर भी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपनी परेशानियों की जानकारी देने के लिए चिट्ठी भेजने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि घाटी में उनको हिंदू और राष्ट्रवादी होने के लिए आतंकी उन्हें अपना साफ टारगेट बनाते हैं और उनकी लक्षित हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र की सरकार ऐसे मामलों पर फैसले लेने के लिए सक्षम है और वह लोगों की जान बचाने के लिए कड़े फैसले ले सकती है। जैसे कभी इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमें लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट में जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो आज हमने एक और डिसाइसिव स्टेप लिया है, क्योंकि परसों एक हाई लेवल मीट होने जा रही है हमारे इशू के लिए। हमने सोचा कि आज हम एक इंडिविजुअली लेटर्स भी इनको पोस्ट करेंगे, जिसमें हम जो प्रधानमंत्री जी को है उनके थ्रू, पोर्टल के थ्रू उन पे लेटर भेजेंगे, और जो एलजी साहब है उनको थ्रू फिजिकल मोड, और जो उनका पोर्टल है जेके ग्रीवियंस उसके थ्रू लेटर्स इंडिविजुअल बेस पे भेजेंगे, और जो होम मिनिस्टर साहब को है उन्हें हम फिजिकली लेटर्स भेज रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि जो हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, इन थ्रेट परसेप्शंस के दौरान और टारगेट किलिंग्स आप लगातार देख रहे हो और थ्रेट लेटर्स भी लगातार हमें आ रही है। हमें वहाँ इसलिए मारा जाता है कि हम पर्टिकुलरली एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और एक नेशनलिस्ट हैं, इसलिए हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इसी का रिसेंट एग्जाम्पल आपने राजौरी में भी विटनेस किया गया है कि जहाँ पे जो टारगेट किलिंग का पैटर्न था वो सेम रहा। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसी सरकार जो सक्षम है एक बड़े हिस्टोरिकल फैसले लेने में, तो जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है वहाँ पे इतना विलंब क्यों है। और आज के दिन में हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि काफ़ी महीनों से एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ की हार्डशिप हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ मजबूर होके घाटी वापस चले गए हैं, और जो वहाँ गए उनसे जब हाल जानते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हालात एक जैसे ही लग रहे हैं जैसे मई 12 को थे, आज भी वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप वहाँ पे क्यों गए इस मजबूरी के कारण, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे रुकूंगा तो यहाँ पे चार बंदे फैमिली के मरेंगे विदाउट सैलरी, वहाँ पे अकेले मरूंगा। तो इन सब के भी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी अगर उनके साथ कुछ होगा। और ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके 8 महीने किसी डिमांड को पूरा करने में इस भारतवर्ष में नहीं लग सकता, व्हेन इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ, जहाँ आप जानते हैं कि इनकी लाइफ हाईली वल्नरेबल है, वहाँ पे आपको एक डिसीजन के साथ आना पड़ेगा।